अस्सलाम वालेकुम बहन और बहन भाई, वो मेरे ब्लॉग में बहुत 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 वार्म वेलकम है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिल जाए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ये सब कुछ और कमेंट जो दिल करे, जो आजकल चल रहा है ना यूट्यूब टिकटॉक, वो आपको सब करना है। ये करेंगे यही आज भाई। अब हम लोग जा रहे हैं एक ट्रेडिशनल जगह पर जो बनी हुई है यहाँ पर इस तरीके से। तरीके से इनके केबिन्स बने हुए हैं। ये दुकानें जो पुराने जमाने की होती थी, इन्होंने इस तरीके से ये बनाई हुई हैं तख्ते लगा के। और इसके तख्ते मैं आप लोगों को दिखा दूँ ऐसे लाइक दिस। और ये इनका ट्रेडिशनल लिबास है जनाब। बहुत अच्छी जगह है, कह रहे हैं वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा, पैसा वसूल। क्या है भाई ऐसा यहाँ पे? आहा आहा हा हा हा, शाकार भाई। ये सऊदियों के टाइम की जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी उस तरह से बना हुआ है, तभी नबील को अच्छा लग रहा है, क्योंकि नबील को ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी लगती हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती हैं। और आप लोगों को भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जो लोग छुपके छुपके चैनल को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उनका लाभ उठेगा। भाई सऊदीया में इतना लुगान का रुझान है ना लोगों में कि क्या बताऊं। और तस्वीरें तो इस किस्म की हैं कि कौन कौन सी किस्में बताऊं। तस्वीरों की वैरायटी मुझे वो लग रही है जैसे बेल होती है ना सूटों की, जैसे हम मैचिंग करने जाते हैं तो बस यहाँ पे सूट लाने की कमी थी और मैचिंग की तस्वीरें लेके जाते, बेहतरीन से बेहतरीन उम्दा दाने की तस्वीर। ये नीचे का बाज़ार लगा हुआ है और इधर सारा एंटिक सामान रखा हुआ है जो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। बड़ा टर्टल मिट्टी का बना हुआ है शायद ये। और हर जगह मुझे ये महिलाएं जो नज़र आ रही हैं, प्यारी प्यारी रंग बिरंगे बॉक्सेस कितने अच्छे रखे हुए हैं। अल्लाह, ये अंकल भी डमी लग रहे थे मुझे तो। नबील, ये अंकल भी मुझे डमी लग रहे थे। और यहाँ हमारा बच्चा ना हर एक चीज़ को टच करते हुए पाया जा रहा है और कुछ ना कुछ। बस ये देखो, डराने के लिए इतना बड़ा क्रोकोडाइल लेकर आया मुझे। ओफो, ज़्यादा पीछे मत हो ना, गिर जाओगे। हर तरफ हर एक जगह गोल घूमे हुए हैं और हर जगह कुछ ना कुछ है। और सामने ये प्यारा सा पार्क। यहाँ नबील और अंकल से अरबी में गुफ्तगु करते हुए स्टोन के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी फिर रिंग बनानी पड़ेगी तुम्हें अलग से। पता नहीं ये बनते भी हैं या नहीं बनते, पता नहीं क्या होता है इनका सिलसिला। एक चीज़ की हिस्ट्री मुझे बता दो जो मैं देख रही हूँ अभी और मैं हैरत में हूँ उसको देख के, दिखाती हूँ भैया इसकी क्या हिस्ट्री है। भैया ये चप्पलें कौन सी चप्पलें हैं भैया, इतना बड़ा साइज। काफ़ी लोग थे हमारे साथ इस पार्क में, लेकिन कुछ लोग बाहर ही रह गए क्योंकि ओल्ड एरिया हम लोगों को नहीं देखना था। और हम लोगों को ऐसी चीज़ों में ऐसा इंटरेस्ट है ना कि हमें कोई यहाँ पे पूरा दिन भी छूट दे तो हम मज़े से रह लेंगे। तो हम लोग यहाँ पूरी मार्केट देखने आए हैं। और हजरत पेशे खिदमत हैं एक और महिला, और बहुत ही खूबसूरत महिला। ऑर्गेनिक सोप, ये उसके ना ग्रेड।
अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा पार्क बनाया है, इसमें काफ़ी सारे सेशंस हैं जो मैंने अलग अलग करके व्लॉग्स डाले हैं उसके, और अब हम यहाँ से फारिग होकर निकल रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आपको पूरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इसके थोड़े से हाइलाइट्स दिखाते हुए अपने व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हम सबको बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। से माशाल्लाह इज़्ज़त, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये चप्पलों का कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया मुझे, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मस्ट लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल।